गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए। आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर वन स्टडी चैनल में। मैं दलबीर नागर, आपका अपना धांसू सर। जल्दी से सब लोग आ जाइए, स्पीड फास्ट एकदम जो है। हाँ, जल्दी से जल्दी। भाई फटाफट से इसको शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो मेरे बच्चों इसको जो है। हाँ देखिए, रोज़ सुबह मैं आपके लिए ट्रिक लेके आता हूँ। जिसको पूरा डिटेल से पढ़ना है तो हमारा नया चैनल है, जो मैंने आपको बता दिया है। नया चैनल जो हमारा है वो स्पीड मैथ्स के नाम से, आप वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर जिसका एडवांस मैथ कमज़ोर हो, बच्चा वहाँ पे क्लास ले सकता है। ठीक बात है, शेड्यूल सभी को बच्चों को पता हुआ है। ये आपका फाउंडेशन कोर्स बच्चा एडवांस मैथ का मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप अनअकैडमी के जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। फाउंडेशन आपका अनअकैडमी पे, एडवांस मैथ का स्टार्ट किया है, बेसिक टू हायर लेवल का इसमें मैंने स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप आपका जो है, यहाँ पे PDF PPT आपको मिलती है, सारी चीज़ें आपको मिलती है। @mathsbythansusir ये टेलीग्राम है, यहाँ पे आप PDF PPT आप लोग ले सकते हो मेरे प्यार। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, धांसू सर। ये रहा आपका जो है, आपके अपने धांसू सर, ये आपका सब रेफरल कोड मेरा जो है DHASU धांसू सर है। ठीक बात है कि नहीं है। चलिए, ये ट्रिग्नोमेट्री और ये धांसू ट्रिक्स के लिए आप ले सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री धांसू ट्रिक्स, ठीक है। कल हमने एक सवाल दिया था आपको होमवर्क में, जल्दी से आ जाइए, फटाफट इसको शेयर कर दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बिहार से। जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देते चलो। अच्छा, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दे चलो जल्दी से अपना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, लो पहला क्वेश्चन जो कल हमने होमवर्क के लिए दिया था, x बराबर मेरे बच्चा मेरे को दे रखा था a sec alpha और फिर cos beta, y बराबर जो मेरे को दे रखा था ये था b sec alpha और sin beta और z बराबर जो मेरे को दे रखा था c tan alpha, ठीक बात है। जेड बराबर मेरे को दे रखा था c tan alpha। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था फाइंड, हाँ नोट करिए जल्दी से, हाँ जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फाइंड x² / a² / y² / b² - z² / c² ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन मैंने आपको दिया था, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे क्या था, ऑप्शन a b c d, ऑप्शन 1 - 1 0 2, ये आपके बच्चे ऑप्शन दे रखे थे। हाँ भाई ये आपके क्या थे बेटा, ऑप्शन थे। हाँ भाई जल्दी से कॉन्सेंट्रेशन करिए ब्लैक बोर्ड पर सब लोग जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शाबाश, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखो, ऐसे सवालों को करने का जो आसान ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई क्वेश्चंस को मुझे करना है, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलता है तो सीधा सा क्या है, अल्फा बीटा का वैल्यू मैं 0° पुट कर देता हूँ। ऐसा वैल्यू पुट करिए जो इसको ईजिली सिंप्लीफाई कर दे, ठीक बात है। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मैंने देखा, जब भी साइन कॉस मेरे को मिलता है, जब भी साइन कॉस मेरे को दिखाई देता है तो मैं अल्फा बीटा का वैल्यू 0° पुट कर देता हूँ, ठीक बात है। अगर मैं 0° रखूँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू a मिल गया, y का वैल्यू सर मुझे 0 मिल गया, z का वैल्यू बच्चे जी मुझे 0 मिल गया, ये वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर रखना पड़ता है जिससे कि, हाँ बिल्कुल बहुत आसान है बच्चा। तो यहाँ पे मैंने रखा इसको 1, ये यहाँ पे a रखा, ये x का वैल्यू यहाँ पे a आ गया, तो a² / a² हो गया। यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे क्या रखा, 0, और ये y का वैल्यू 0 आ गया, इसका वैल्यू भी 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका a² / a² कट गया और 1 आपका आंसर आ गया। थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया, 1 इज़ द राइट आंसर। किस किस बच्चे का है 1 इज़ द राइट आंसर, थम्स अप कर दीजिए, 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। मिनिमाइज़ करेंगे, स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक नंबर रखेंगे। मैंने बताया अल्फा बीटा आते हमने क्या सिखाया आपको, जिसको डिटेल से पढ़ना है मैथ्स
स्पीड मैथ्स के नाम से आपका चैनल है, पूरा डिटेल से कंसेप्ट प्लस ट्रिक में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे आप लोग 12 बजे पढ़ सकते हैं, ठीक बात है। चलिए अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यही सवाल देता है आपको, 2 sin² θ = 3 cos θ ये इक्वल कब होगा बताइए। ऑप्शन है आपका ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन में दिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए एक तरीका तो ये है कि ऑप्शन को वन बाय वन ऑप्शन को पुट करें। एक तरीका तो ये है आपका ऑप्शन को वन बाय वन पुट करें। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ऑप्शन को मैं वन बाय वन पुट करूँ, एक तरीका तो बच्चा ये है। दूसरा मैं ईजी तरीका आपको सिखा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो आप क्या करो, जैसे यहाँ से साइन स्क्वेयर है, इसको कॉन्स्टेंट मान लो। जब साइन के सामने स्क्वेयर होता है, भाई मैं साइन के सामने स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर मान लो 3 होगा, तो यहाँ साइन से काटूंगा तो √3, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये एक आसान तरीका, इजी ट्रिक्स हो गई आपकी। भाई साइन के सामने इसको मैं छुपा लेता हूँ और ये 3 है, तो साइन स्क्वेयर बराबर √3 और थीटा बराबर कितना डिग्री होता है, हाँ √3। भाई √3 साइन थीटा का मान कितना, साइन 60 में √3/2 होता है कि नहीं होता है, हाँ। अरे इस 2 से भाग कर दूंगा ना, मैं इस 2 से भाग कर दूंगा, ये जो 2 है इससे भाग कर दूंगा, 2 था इस 2 से भाग कर दीजिए इसको, तो √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है, √3/2। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका, 60 डिग्री अगर मैं रखूँगा तो ये आ गया √3/2 और √3/2 का होल स्क्वेयर, और यहाँ 60 रखूँगा और तो ये हो जाएगा 1/2। √3/2 का होल स्क्वेयर कितना हो जाएगा, दो दुना 4, ये 4 गुना में 2 भी तो है और बराबर में 3/2, 2 से काट दे, 2 दुना 4, तो 3/2 बराबर क्या आ गया, 3/2। किस वैल्यू को पुट करने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 60 डिग्री, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 60। यहाँ से पता चल जाता है जो स्क्वेयर है ना, इसके सामने जो टर्म्स है इसी से पता चल जाता है कि मुझे थीटा का वैल्यू क्या पुट करना है। भाई ये जो स्क्वेयर दे रखा है बेटा, इसके सामने जो टर्म्स है इसी से मुझे दिमाग में आ जाता है कि मुझे थीटा का वैल्यू क्या पुट करना है, ठीक बात है कि नहीं है, हाँ भाई क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ अब आप बताना एक बार जोरा थोड़ा सा, जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है sec θ + 10θ = √3 फाइंड 1/1 cos θ, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, फाइंड 1/1 cos θ। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का बड़ा आसान तरीका आपके सामने है, सिंपल सी बात है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो sec में 2 और टेन में √3 कितने का मान होता है, थीटा का वैल्यू अगर मैं 60 डिग्री पुट करता हूँ तो sec में कितना आएगा, 2, और टेन में क्या आएगा, √3। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुट करने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिस वैल्यू को पुट करने पर मेरा लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए, सीधी सी बात है वो मेरा कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। वैल्यू को पुट किया लेफ्ट साइड, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। लेफ्ट साइड किसके बराबर आ गया, राइट साइड के बराबर आ गया, तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री मैंने रखा, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर मैंने आ गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखने पर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गया, तो यहाँ 60 रखूँगा और 60 का मान कितना होता है, यहाँ 60 रखूँगा, 60 का मान होता है 1/2, तो 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 3/2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया, 2/3। 2/3 इज़ द राइट आंसर, थम्स अप कर दीजिए, 2/3 इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश मेरे प्यारे बच्चे। चलिए हाँ भाई नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है ये, sec θ + 10θ = √5, ठीक है लिखो, sec θ + 10θ = √5, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin θ + cos θ, find sin θ + cos θ का मान क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जल्दी से बताइए, फाइंड द वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए। 3/√5
वन बाय रूट फाइव, थ्री बाय रूट फाइव, वन बाय रूट फाइव होगा या सेवन बाय रूट फाइव होगा या नन ऑफ दीज होगा, जल्दी से बताइए, स्पीड फास्ट जल्दी से बताइए। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, गलत हो गया है। हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, सुबह हम 8 बजे क्लास करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हमारा क्लास चलता है, याद रखिए। हाँ चलिए जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बैक टू बैक क्लास होता है हमारा, ठीक बात है कि नहीं। हम चलिए जल्दी से देखिए भाई, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जब इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा, मैं रूट फाइव को पहले लिख लेता हूँ, रूट फाइव प्लस में इसको मैं लिख लेता हूँ 2, कोई दिक्कत है कि रूट फाइव प्लस 2। हाँ हाँ जल्दी से नोट करिए इसको, हाँ हाँ भाई नोट कर लिया। हाँ बहुत बढ़िया, देखो बच्चा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक रिजल्ट होता है आपका, ये sec स्क्वेयर थीटा माइनस में tan स्क्वेयर थीटा होता है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, sec स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा बराबर 1 होता है, sec स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा मेरे बच्चे आपका 1 होता है, तो मैं बेटा इसको लिख सकता हूँ, ये sec थीटा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो sec थीटा प्लस में tan थीटा, sec थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ sec थीटा प्लस में tan थीटा, और मैं लिख सकता हूँ sec थीटा माइनस में tan थीटा, sec थीटा माइनस में tan थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिखता, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इसको लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan और sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक बात है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आसान है, तो यहाँ पे मुझे इस वैल्यू को निकालना है बच्चों, देखो बेटा मुझे इस वैल्यू को निकालना है, sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो माइनस की जब मैं वैल्यू निकालूंगा, ये प्लस से माइनस के निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट फाइव माइनस का 2, रूट फाइव माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिए इसको जो है, हाँ ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2 sec थीटा बराबर में रूट फाइव, ठीक है 2 रूट फाइव, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से sec थीटा बराबर आ गया रूट फाइव बटे में 1, ये होता है हाइपोटनियस अपॉन बेस, हाइपोटनियस को बोलते हैं, हाइपोटनियस क्या होता है, हाइपोटनियस को हिंदी में बोलते हैं करण, ये हो गया करण बटे आधार। देखो अब इसको आप जो है ना इससे कर सकते हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल आप ले लेंगे, ट्रिपलेट आप बना देंगे, ये आपका रूट फाइव दे रखा है और ये आपका 1 दे रखा है, सिंपल सी बात है, ये आपका रूट फाइव ये 1 है, तो रूट फाइव, अब ये हमें परपेंडिकुलर को निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, ये हाइपोटनियस में से आप किसको माइनस कर दोगे, हाइपोटनियस में से बेस को माइनस कर दोगे, तो रूट पाँच के वर्ग में से 1 का वर्ग माइनस कर दोगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये कितना आ गया आपका 2 आ गया कि नहीं आ गया, 2 आ गया, बस अब क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, तो भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखो ये साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे करण और ये आधार बटे करण, तो लंब बटे करण 2 और 1 कितना हो गया, लंब प्लस लंब बटे करण ये हो गया लंब बटे करण और ये हो गया आधार बटे करण, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो आंसर क्या आ गया 3 बटे रूट 5, 3 बाई रूट 5 इज़ द राइट आंसर, टिक लगा दीजिए, 3 बाई रूट 5 आपका बिल्कुल सही आंसर है, थम्स अप करते चलिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए आपका नया चैनल एक स्टार्ट हो गया स्पीड मैथ्स के नाम से, वहाँ पे आप अपना जो है एडवांस मैथ का पूरा कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चे, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए
ये है टेलीग्राम ग्रुप एट द रेट मार्क्स बाय धांसू सर। ठीक है, क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट आपका। चलो इस पे एक क्वेश्चन और बना के दिखा दो मुझे। जैसे sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec थीटा प्लस टेन थीटा आपको दे रखा है 2, फाइंड cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, बताना है इसका जल्दी से। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा जल्दी से बताइए स्पीड के साथ, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा जल्दी से मुझे बताइए स्पीड के साथ, बताएंगे सब बच्चा जो है। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, हाँ भाई जल्दी से बताइए। इतनी देर में आंसर आ जाता है बेटा, इन देर में आंसर आ जाता है, इतने टाइम नहीं लगाएंगे। देखो बहुत आसान तरीका मैंने आपको सिखाया है, ये sec थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, काट देंगे। 2 sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये दो दुनी कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस 1/2, दो दुनी 4 × 5/2 हो गया, 5/2 हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल सी बात है। तो sec थीटा मेरे को क्या मिल गया, 5/2 से भाग कर दूंगा तो 4, और cos थीटा मुझे क्या मिल गया, 4/5। क्वेश्चन खत्म। अरे sec का उल्टा होता है cos, तो cos क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, थम्स अप कर दीजिए। हाँ बिल्कुल एकदम जो है, cos थीटा क्या हो जाएगा 4/5, एकदम सीधा सुपर शॉर्टकट है बेटा, इससे ज़्यादा से क्या सिखाएं। ये sec थीटा है, माइनस हम करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, 2 sec थीटा बराबर 2 + 1/2। ठीक है, चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ साइन एक्स प्लस में साइन वाई, ठीक बात है, बराबर में ए, और कॉस एक्स प्लस में कॉस वाई बराबर में बी। आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, ये आपसे पूछा है। ठीक है, साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, ये आपसे पूछा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ अच्छा, 1/2 कैसे आया ये बता देते हैं। 1/2 ये कैसे आया, देखो बेटा मेरा ये टर्म होता है sec स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक बात है कि नहीं, sec स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ sec थीटा प्लस में टेन थीटा, और लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे sec थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक बात है कि नहीं है। तो sec थीटा ये प्लस टेन थीटा हो गया, sec थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, और बराबर में था 1। अब प्लस का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे को, 2 दे रखा है मेरे बच्चों। तो बेटा प्लस का वैल्यू अगर मेरे को 2 दे रखा है, तो यहाँ प्लस का वैल्यू मैंने 2 रख दिया, और यहाँ पे 2 रख दिया, और ब्रैकेट में ये आ गया sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में आपका 1 है। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर मुझे क्या मिल गया, 1/2। ये आ गया कैसे, 1/2 आया बेटा। देखो ये sec स्क्वेयर थीटा, ये आपके आइडेंटिकल फॉर्म्स होती है, इसको ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर में तोड़ दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। यहाँ प्लस का वैल्यू मुझे दे रखा था, प्लस का वैल्यू रखा इनटू में sec थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ से sec थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया पिछला कॉन्सेप्ट। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई ये क्वेश्चन आपके लिए जो है, मैं फिर आपको बार बार एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को भी जो मेरी रेगुलर क्लास है भैया, देखो ये आपका रेफरल कोड है धांसू सर, इसको आप लगाइए, 10% का आपको छूट मिलेगा जो भी सब्सक्रिप्शन में आप अनअकैडमी से ले रहे हैं। भाई कोई भी मेरा मैथ स्पेशल आ चुका है एडवांस मैथ का, जो पूरा डिटेल से पढ़ना चाहता है बच्चा, कंसेप्ट भी सीखना चाहता है, ट्रिक भी सीखना चाहता है, तो भाई एडवांस मैथ का बैच मैंने लॉन्च कर दिया है, अनअकैडमी पे आप लोगों को मिल जाएगा, SSC कैटेगरी में जाके आपको मिलेगा। ठीक बात है कि नहीं, ये टाइम टेबल सभी को बताइए, इसके बाद जो क्लास होगी मैथ्स बाय धांसू सर, ये आपके टेलीग्राम बना दिया है, कोई भी PDF, जितनी भी मैं YouTube पे सेशन लेता हूँ, जितने भी YouTube पे मैं फ्री सेशन लेता हूँ या पेड क्लास में पढ़ाता हूँ, सारी PDF मैं इस टेलीग्राम में डाल देता हूँ, इस टेलीग्राम में @ मैथ्स बाय धांसू सर, तो इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको पेड और फ्री बैच की सारी PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक बात है बच्चों, और मेरा जो पेड कोर्स है वो अनअकैडमी पे आ चुका है, अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी आपको डाउनलोड करके, इस पे SSC एग्ज़ाम पे जाइए, SSC एग्ज़ाम पे जाके दलवीर नागर डालिए,
दलवीर नागर आप जाएंगे स्पेशल सेशन पे आप जाएंगे तो ये आप यहाँ पे ये फाउंडेशन कोर्स आपको मिलेगा। मेरा सबसे पहला जो बैच आया वो फाउंडेशन बैच आया। फाउंडेशन बैच मतलब होता है बेसिक से जीरो टू हीरो बैच, ठीक बात है कि नहीं। गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे जाके मेरे प्यारे बच्चों हाँ गेट सब्सक्रिप्शन पे आप लोग जाएंगे। सब्सक्रिप्शन पे जाके ये क्या होगा यहाँ पे, ये सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे यहाँ सब्सक्रिप्शन लेंगे। अब कितने दिन का आपने लेना है, एक साल का लेना है, छः महीने का लेना है, दो साल का, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे यहाँ से ले सकते हैं। और धांसू सर यहाँ पे आप डालिए, मेरा कोड है, रेफरल कोड है, इसको आप डालेंगे, क्लिक करेंगे, पेमेंट प्रोसीड हो जाएगा। पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन दे रखें, किसी भी ऑप्शन को आप लोग क्लिक कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। और ये आपका प्रोमो कोड है, इसको आप यूज़ करें, डी एच ए धांसू सर आपका प्रोमो कोड है, धांसू सर डी एच ए एस यू धांसू सर प्रोमो कोड को आप यूज़ करिए। और आप कितना प्रोमो कोड को यूज़ करेंगे, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने आपको दिया है, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप कौन से चैप्टर की ट्रिक्स पढ़ने चाहेंगे, एलजेब्रा की, मेंसुरेशन की, ज्योमेट्री की, किसकी ट्रिक्स पढ़ना चाहेंगे वो मेरे को बताएं, नंबर सिस्टम की ट्रिक्स पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। ये हाँ ये आपका जो है ये सवाल आपका होमवर्क के लिए है, ये सवाल आपका होमवर्क के लिए है, घर से बना के लेके आना है। ये होमवर्क के लिए मेरे प्यारे बच्चों, घर से आपको बना के लेके आना है क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ये घर से बना के लेकर आइए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। अब जो सेशन है 12 बजे आपकी जो क्लास होगी, जो बच्चा डिटेल से एडवांस मैथ पढ़ना चाहता है तो मेरी क्लास जो है स्पीड मैथ्स, एक नया चैनल है अन अकेडमी पर लॉन्च किया, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, उसको लीजिए रात को 8 बजे। आज पहला चैप्टर फाउंडेशन बेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क का बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं वहाँ पर करवाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चे। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पर, और इसके बाद जो मेरा क्लास है आपका जो है, और फिर अन अकेडमी पर जो मैं क्लास कर रहा हूँ, अच्छा एक बार कमेंट करके बताना, अन अकेडमी पर जो मैं क्लास करूँ 4 से 5 और 10 से 11, आज मैं 10 से 11 आपको जो है एक स्पेशल क्लास दूंगा जिसमें एलजेब्रा की धांसू ट्रिक्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो बेटा इसी के साथ अलविदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।